प्रिय छात्रों, व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं में हम अध्ययन कर रहे थे विपणन मिश्र के बारे में। आज हम जानेंगे पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में। पैकेजिंग क्या है, लेबलिंग क्या है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई बाजार से किसी प्रकार की कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले उस वस्तु के जो आवरण है उस पैकेट की ओर हमारा ध्यान जाता है, जिसको हम पैकेजिंग कहते हैं। तो एक सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि किसी भी वस्तु को जितने सुंदर ढंग से पैक किया जाता है बाजार में, वो वस्तु उतनी शीघ्रता से बिकती है। तो पैकेजिंग जो है वो आज के व्यवसायिक युग में वस्तुओं को शीघ्रता से बेचने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही ये बाजार में वस्तु को प्रतिस्पर्धी बाजार में एक अलग पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाती है। अर्थात वस्तु की पैकिंग जितनी बेहतर होती है वो प्रतिस्पर्धी बाजार में वस्तु अपनी एक अलग पहचान बाजार में बनाती है। साथ ही पैकेजिंग के माध्यम से जो है इसका उपयोग जो है वस्तु को उपभोग पूर्व सुरक्षित एवं शुद्ध बनाए रखने के लिए किया जाता है। साथ ही पैकेजिंग जो है इसका उपयोग जो है वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए, वस्तु का उपभोग करने के पूर्व हमें उपयोग के हिसाब से सुरक्षित बनी रहे, साथ ही शुद्ध बनी रहे, इसके लिए जो है पैकेजिंग की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है। तो पैकेजिंग जो है आज विपणन की आवश्यकता बन गया है। ग्राहक केवल उत्पाद नहीं चाहता, अर्थात हम जो है केवल वस्तु ही नहीं चाहते बल्कि वस्तु से संबंधित समस्त जानकारी, विश्वास, प्रशंसा एवं आकर्षण भी चाहते हैं। अर्थात जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो सिर्फ हमें वस्तु से मतलब नहीं, वस्तु से जुड़ी हुई जो समस्त जानकारी है, वस्तु उपयोग किस प्रकार से होगा, वस्तु से जो हमारा विश्वास है वो बना रहे, वस्तु हमारे लिए आकर्षित हो, ये सभी चीज़ें जो है पैकेजिंग के हिसाब से की जाती हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जो ग्राहक है वो वस्तु को खरीदने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। अतः पैकेजिंग जो है ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित करता है और ये विक्रय प्रवर्तन का जो है एक सशक्त माध्यम है। इस प्रकार से पैकेजिंग जो होती है वो एक वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है और वर्तमान में जो पैकेजिंग है वो विक्रय प्रवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब एक अच्छे पैकेजिंग की जो विशेषताएं, कि एक पैकेजिंग की विशेषताएं क्या होना चाहिए, तो जैसे आकर्षक होना चाहिए, पैकेजिंग की डिजाइन जो है सुंदर व आकर्षित हो ताकि ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो सके। फिर ग्राहक का विश्वास बनाने वाली हो, पैकेजिंग जो है वो ग्राहक को संतुष्टि में वृद्धि करने वाली व पैकेजिंग के अंदर वस्तु के प्रति विश्वास विकसित करने वाला हो। अर्थात पैकेजिंग इस प्रकार की हो कि हम वस्तु के प्रति पूर्व से ही संतुष्ट हो जाएं और साथ ही हमें यह विश्वास रहे कि पैकेजिंग के अंदर जो वस्तु है वो पूर्ण रूप से सही है। तो ये फिर इसके बाद सही जानकारी, पैकेजिंग जो है वो इस प्रकार की हो कि वस्तु की जानकारी जो है एक बार में हो सके, अर्थात उस पैकेट के अंदर, उस पैकेजिंग के अंदर किस प्रकार की वस्तु है हमें पैकेजिंग को देख कर हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। फिर स्वच्छ व शुद्ध पैकेजिंग में जो है वस्तु साफ सुथरी स्वच्छ व शुद्ध बनी रहे, ऐसा होना चाहिए। साथ ही पर्यावरण नियमों का पालन करने वाली भी होना चाहिए। फिर सुरक्षित व सुविधाजनक होना चाहिए, अर्थात पैकेजिंग ऐसी होना चाहिए कि जिसके अंदर वस्तु जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, लाने ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए जो है वो सुविधाजनक बनी रहे। तो सुरक्षित और सुविधाजनक होना चाहिए। फिर अच्छा मूल, एक अच्छी पैकेजिंग जो है वस्तु को अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए रखने में मदद करती है। तो अच्छी पैकेजिंग जो है वो विशिष्ट पहचान बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। साथ ही ग्राहक को उसका मूल्य उचित लगना चाहिए, अर्थात ग्राहक उस वस्तु का जो मूल्य चुकाना चाहता है तो उस वस्तु का वो उपभोग करता ही है, उसी हिसाब से वो मूल्य चुकाता है। लेकिन यदि साथ में पैकेजिंग बहुत बेहतर होगी, अच्छी होगी, तो ग्राहक को जो है उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, उचित लगेगा। तो ये एक अच्छे पैकेजिंग की विशेषताएं हैं, कैसी होना चाहिए। फिर इसके जो लाभ हैं, महत्व हैं या कार्य हैं,
तो ये जो है पैकेजिंग जो है विक्रय संवर्धन, विक्रय को बढ़ाने का एक प्रभावशाली उपकरण है जो ग्राहक को तुरंत वस्तु को क्रय करने हेतु प्रेरित करता है, वहीं अच्छा मूल्य दिलाने में सहायक भी होता है। सामान्य तौर पर किसी वस्तु की पैकिंग जितनी बेहतर होती है, उस पैकिंग को देखकर जो है ग्राहक जो है उस वस्तु को खरीदने के लिए बहुत तेजी से तैयार हो जाता है। फिर पैकेजिंग जो है एक प्रकार की पहचान भी दिलाती है, ये वस्तु को और वस्तु के निर्माता को एक पहचान दिलाता है। पैकेजिंग के माध्यम से हम वस्तु को पहचान जाते हैं कि इस पैकेजिंग के अंदर वस्तु कौन सी है, साथ ही ब्रांड कौन सा है, इस वस्तु का निर्माता कौन है, ये पैकेजिंग जो है हमें एक पहचान दिलाती है। फिर पूर्ण जानकारी ये वस्तु को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उपभोग की विधि को भी बतलाता है। पैकेजिंग जो है वस्तु को सुरक्षा तो प्रदान करता ही है, साथ ही उस वस्तु का उपभोग हमें उपयोग किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी भी वो हमें बताता है। फिर सुविधा, एक अच्छी पैकेजिंग के माध्यम से जो है हम वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में मदद होती है। फिर सुरक्षा से बचत, ये वस्तु को मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रखता है, जैसे हवा आदि के कारण, सीलन आदि के कारण, पानी संक्रमण आदि से जो है अंदर की वस्तु यदि खराब होती है तो अच्छी पैकेजिंग से जो है इस प्रकार के किसी भी मौसमी प्रभाव से जो है वस्तु अंदर की सुरक्षित रहती है। फिर प्रतिष्ठा या ब्रांड, इसमें एक अच्छी पैकेजिंग जो है वो वस्तु की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, व पैकेज की डिजाइन स्वयं अपने आप में ब्रांड की तरह कार्य करता है। अर्थात कंपनियां जो है अपनी वस्तु की पैकेजिंग इस प्रकार से करती हैं कि पैकेज की जो डिजाइन है या जो उसको पैक करने का तरीका है वो इस तरह का होता है कि वो स्वयं अपने आप में एक ब्रांड की तरह कार्य करता है। लोग जो है पैकेजिंग देखकर जो है उसके अंदर की वस्तु को पहचान जाते हैं। तो ये जो है पैकेजिंग, एक अच्छी पैकेजिंग जो है एक व्यवसायिक संस्था को अपने उत्पादन के प्रति जो है प्रतिष्ठा दिलाती है, ये इसके महत्व या लाभ है। इसके बाद हम देखेंगे लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है? किसी भी उत्पाद को हम देखते हैं तो उत्पाद के पैकेजिंग के ऊपर जो है एक पर्ची लगी होती है। इस पर्ची में जो है उत्पाद से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की जानकारियां लिखी होती हैं। सामान्य तौर पर हम जब देखते हैं जैसे कि वस्तु का नाम लिखा होता है, वस्तु का जो उत्पादक है उसकी संपूर्ण जानकारी होती है, साथ ही वस्तु का जो उत्पादन तिथि वगैरह होती है, किस प्रकार से उपयोग करना है, वस्तु का जो मिश्रण तत्व हैं, किन किन में तत्वों से मिलकर वो वस्तु का निर्माण हुआ है, वस्तु का मूल्य क्या है, उपयोग क्या है, जानकारी किस प्रकार की, विभिन्न प्रकार की सावधानियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं जिस पर्ची में लिखी होती है वो कहलाता है लेबलिंग। तो लेबल से आशय जो है वस्तु की पैकिंग के समय लगाई गई उस पर्ची से है जिसमें उत्पाद से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है। तो यहाँ लेबलिंग से जो आशय है, वस्तु या विक्रेता के संबंध में उस शाब्दिक सूचना से है जो उत्पाद से जुड़े हुए तथ्यों को प्रकट करती है। तो लेबलिंग वो है जो वस्तु या विक्रेता के बारे में एक ऐसी शाब्दिक सूचना है जो उत्पादन से जुड़े हुए तथ्य को क्या करती है, बिंदुओं को प्रकट करती है। जैसे वस्तु का नाम हो गया बताएगा, निर्माता की जानकारी उसमें होगी, वस्तु के उत्पादन विधि होगी किस प्रकार से वस्तु का उपयोग करना है, फिर सम्मिलित तत्व, उस वस्तु का जो निर्माण हुआ उसमें जो मिश्रित तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, फिर वस्तु का मूल्य क्या है, वस्तु का उपयोग किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी, वस्तु से रिलेटेड यदि किसी प्रकार की सावधानी रखना है तो वो सावधानियां कैसे रखना है, उत्पादन व समाप्ति तिथि, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरिंग डेट। तो ये जो है वो कहलाता है लेबलिंग। अब लेबलिंग के जो प्रकार हैं, नंबर एक है ब्रांड लेबल, दूसरा है ग्रेड लेबल और तीसरा है विवरणात्मक लेबल। अब ब्रांड लेबल जो है इसमें ब्रांड के अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी नहीं होती, वस्तु जो है वो ब्रांड से पहचानी जाती है। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो अपना ब्रांड नेम लिए हुए हैं तो उसमें जो है उस लेबल में अन्य प्रकार की किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, वस्तु जो है वो सिर्फ ब्रांड से ही पहचानी जाती है। फिर दूसरा जो है ग्रेड लेवल, इसमें केवल अंक या शब्द उस वस्तु की किस्म या श्रेणी को
व्यक्त करते हैं, जैसे डीलक्स हो गया, प्राइमा हो गया, या कॉन्टिनेंटल श्रेणी आदि हो गई। तो ये कहलाता है ग्रेड लेवल। फिर तीसरा जो विवरणात्मक लेवल, विवरणात्मक लेवल मतलब संपूर्ण उसमें जानकारी होती है, संपूर्ण जानकारी जिसमें वस्तु का नाम हो गया, उत्पाद का संपूर्ण विवरण में उत्पाद नाम हो गया, निर्माण तिथि हो गई, वस्तु निर्माण में प्रयुक्त सामग्री हो गई, किस्म हो गई, प्रयोग विधि हो गई, विभिन्न सावधानियां, मूल्य आदि की जानकारी देना आवश्यक होता है। जिस प्रकार से हम मेडिसिन में देखते हैं, दवाई जो हमारे पास होती है उसमें हम दवा में देखते हैं तो दवा का नाम, कंपनी का नाम, फिर उसमें जो है दवा किन किन तत्वों को मिलाकर बनाई गई है, उसकी किस्म किस प्रकार की, उसको प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, फिर दवा को किस प्रकार से उसमें सावधानी रखना, किस स्थान पर रखना है, मूल्य उसका कितना है, उसकी निर्माण तिथि क्या है, उसकी एक्सपायरिंग तिथि क्या है, ये समस्त जानकारी जो है विवरणात्मक लेवल में होती है। तो ये कहलाता है लेवलिंग। अब लेवलिंग के जो लाभ हैं या कार्य हैं, नंबर एक तो लेवलिंग के माध्यम से हमें उत्पाद की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वस्तु किस प्रकार की, ग्राहक को वस्तु की मुख्य जानकारी हो जाती है और वो किसी भ्रम में नहीं रहता। तो उत्पाद से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की जानकारी जो है हमें लेवलिंग के माध्यम से प्राप्त होती है। फिर दूसरा जो है निश्चित कीमत। लेवलिंग में जो है किसी भी वस्तु की कीमत का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है और हम उस वस्तु की कीमत को जो है उस लेवल पर लिखी हुई कीमत के आधार पर देख कर जो है हम वस्तु को खरीदते हैं। तो यहाँ पर उत्पाद की कीमत का उल्लेख होने से मध्यस्थ या फुटकर विक्रेता जो है ग्राहक से अधिक कीमत नहीं वसूल सकता। जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP लिखा होता है तो हम वही कीमत वहाँ पर दुकानदार को देते हैं और दुकानदार भी जो है हमें हमसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा राशि हमसे वसूल नहीं कर सकता। तो निश्चित कीमत। फिर श्रेणीकरण। लेवल ये बताता है कि किस पैक में किस किस्म का उत्पाद है व ग्राहक अच्छे गुणवत्ता वाली वस्तु को खरीदने में सक्षम हो जाता है। तो श्रेणीकरण हो गया। फिर लेवलिंग जो है विज्ञापन का भी कार्य करती है। लेवलिंग एक प्रकार से विज्ञापन का कार्य करता है, जो उत्पाद की जानकारी प्रदान कर उसका प्रचार करती है। फिर साख एवं मानक वृद्धि। लेवलिंग के माध्यम से जो है वस्तु की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, वहीं उत्पाद के मानक के बारे में एक प्रकार के आश्वासन का भी ये कार्य करती है, अर्थात वो अपनी उपयोगिता की कसौटी पर खरा उतरने को तैयार है, वो वस्तु मानक वृद्धि। तो वस्तु की जो मानक है स्थिति है और उसकी जो साख है वो वस्तु की प्रतिष्ठा में यहाँ उससे क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर वैधानिक जानकारी होती है। किसी भी उत्पाद में हम देखते हैं उसमें जो वैधानिक जानकारी है वो स्पष्ट रूप से उल्लिखित होती है, जैसे कि तंबाकू के पैकेट पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, या सिगरेट के पैकेट पर, या जो विभिन्न प्रकार के मद्य पदार्थ हैं यदि वो मार्केट में ओपनली बिकते हैं तो उसमें जो है जो भी वैधानिक जानकारी है, कानूनी जानकारी है, वो उसमें स्पष्ट उसका उल्लेख होता है। तो ये लेवलिंग के जो हैं लाभ हैं या उसके कार्य। इसके बाद हम तीसरा बिंदु यहाँ देखते हैं, मूल्य निर्धारण। अब मूल्य निर्धारण, मूल्य क्या है? मूल्य वो है जो हम वस्तु को खरीदने के बदले में चुकाने को तैयार होते हैं, या वस्तु की उपयोगिता के बदले हम वो राशि चुकाने के लिए तैयार है। तो मूल्य से तात्पर्य जो है मुद्रा की उस मात्रा से है जिसका उपभोक्ता को उत्पादन, सेवा या विचार के उपभोग के बदले भुगतान करना होता है। तो मूल्य वो है जिसमें उपभोक्ता जो है उत्पादन, सेवा या विचार का उपभोग करने के बदले में वो उसको भुगतान करता है। तो वास्तव में एक उत्पाद के मूल्य में उपभोक्ता की संतुष्टि सम्मिलित होती है, अर्थात हम किसी भी वस्तु का मूल्य चुकाने के लिए तभी तैयार होते हैं जबकि हमें उस वस्तु से प्रॉपरली उपभोग जो है हमें संतुष्टि पूर्ण हो। तो इसलिए कहा गया कि चुकाए गए मूल्य के अनुपात में संतुष्टि की मात्रा बराबर होनी चाहिए, अर्थात जो मूल्य हम चुका रहे हैं उस अनुपात में हमें उस वस्तु की उपयोगिता से संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए, तभी जो है उपभोक्ता वस्तु का मूल्य चुकाने के लिए तैयार होता है। यदि हम किसी वस्तु के से प्रॉपर हमें उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हम
उतना मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। मूल्य का जो महत्व है, ये मूल्य जो है वो विनिमय का आधार है। क्रेता और विक्रेता के बीच विनिमय व वस्तु के क्रय विक्रय की सहमति का क्या होता है, ये आधार होता है। फिर विक्रय कीमत का निर्धारण, प्रतियोगी बाजार में मूल्य का निर्धारण जो है वो मांग एवं आपूर्ति द्वारा होता है। बाजार में जो किसी वस्तु का मूल्य जो है वो मांग और आपूर्ति के संतुलन के द्वारा किया जाता है। यदि मांग अधिक होती है, पूर्ति कम होती है, ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि यदि मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का मूल्य यहाँ कम हो जाता है। तो इसमें परिवर्तन होने पर जो है मूल्य भी परिवर्तित होता है। तो मांग और पूर्ति में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मूल्य में उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो है एक विक्रेता को बाजार मूल्य स्वीकार करना होता है। फिर है सामान्य जीवन स्तर का निर्धारण। मूल्य जो है लोगों के जीवन स्तर का निर्धारण करती है। जैसे मूल्य बढ़ने पर क्या होती है, क्रय शक्ति कम हो जाती है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका उपभोग क्या करना, कम हो जाता है। अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे जो है जीवन स्तर का निर्धारण का भी पता चलता है। यदि मूल्य ज़्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, तो सामान्य जीवन स्तर का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। वहीं यदि मूल्य कम होता है तो लोगों की क्रय शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, और उनका जीवन स्तर का जो स्तर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये मूल्य का महत्व है। इसके बाद मूल्य निर्धारण के उद्देश्य, निवेश प्रतिफल। मूल्य जो है एक व्यापारिक संस्था में जो व्यवसायी अपनी पूंजी लगाता है, जो धन लगाता है, वो न्यूनतम प्रतिफल अपना प्राप्त करने के लिए, मिनिमम लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करता है, मूल्य निर्धारित करता है। तो व्यापारिक संस्था अपने निवेश पर न्यूनतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए मूल्य निर्धारित करता है। फिर दूसरा लाभ लक्ष्य। व्यावसायिक संस्था में मूल्य में बिक्री के प्रतिशत के रूप में अपने लाभ लक्ष्य को निर्धारित करना होता है। अर्थात मूल्य के माध्यम से जो है वो बिक्री के प्रतिशत के रूप में अपने लाभ को निर्धारित करता है कि इतना हमें लाभ मूल्य के रूप में यहाँ पर प्राप्त करना है। फिर विक्रय वृद्धि। एक विक्रय मूलक संगठन जो है बिक्री की निश्चित मात्रा या प्रतिवर्ष के लिए बिक्री का टर्नओवर निर्धारित कर सकता है। फिर प्रतिस्पर्धा का सामना। बाजार में प्रतियोगिता में से समानांतर उत्पादक को बाहर करने के लिए हथियार के रूप में मूल्य को प्रयोग कर सकता है। बाजार में यदि एक सी वस्तु के दो प्रकार के उत्पादक हैं तो यहाँ पर जो है एक उत्पादक यदि अपनी वस्तु का मूल्य कम करता है, कम रखता है, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरे उत्पादक को बाजार से बाहर करने के लिए मूल्य को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अर्थात वो अपनी वस्तु का मूल्य को कम करके जो है बाजार में अपनी बिक्री को बढ़ा सकता है। फिर तरलता में वृद्धि। यहाँ जो है मूल्य द्वारा जो है अधिकतम लाभ प्राप्त करके अपने नगदी प्रवाह में सुधार करके वित्तीय तरलता का लाभ वो उठा सकता है। अर्थात वस्तु के मूल्य के माध्यम से जो है वो नगद पैसा जो है प्राप्त करके जो है अपनी वित्तीय तरलता का लाभ उठा सकता है। फिर उत्पाद प्रतिष्ठा। एक फर्म जो है अपनी उच्च किस्म की वस्तु का ऊंचा मूल्य निर्धारित कर वस्तु की किस्म और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अर्थात यदि कोई बहुत बेहतर उत्पाद है, बेहतर क्वालिटी का है, तो ऐसी स्थिति में जो है उत्पादन करता है यहाँ वस्तु का मूल्य जो है ऊंचा रखता है, और इससे वस्तु की जो है किस्म की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर बढ़ती है। तो मूल्य निर्धारण के ये उद्देश्य हैं। इसके बाद अभ्यास प्रश्न। पैकेजिंग से आशय, उसकी विशेषता लिखिए। पैकेजिंग के महत्व, लाभ या कार्यों को समझाइए। फिर लेबलिंग से आशय एवं उसके प्रकार को समझाइए, और लेबलिंग के महत्व, लाभ या कार्यों को समझाइए, और अंतिम है मूल्य से आशय व मूल्य निर्धारण के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए।